मान भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सो आई जस्ट गॉट टू नो यू डूइंग अ वेब सीरीज विद फ्रियाल ताफ एंड विद अदर स्टार एज वेल. ये क्या रीजन है, क्या सीजन है, ये क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पेशल हमारा प्रोजेक्ट है उर्दू फ्लिक्स का. नाइस. और इट्स आवर ओरिजिनल वेब सीरीज, वेब कंटेंट, एंड इट्स एन अमेजिंग वेब कंटेंट. एंड द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली बीइंग रिटन बाय मोहम्मद अहमद साहब. ओके. और हमारे लिए बहुत स्पेशल है इसलिए भी क्योंकि इसमें हमारे साथ फ्रिया अल्ताफ जो हैं वो काम कर रही हैं. और आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो है वो फ्रिया जो है वो एक्टिंग. बेसिकली दिस इज फ्रिया'स फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज, राइट? फॉर वेब सीरीज. फिल्म तो किया परेड लपे भी, अपनी कैमियो परफॉर्मेंस दी हुई अपनी. बाकी ड्रामा तो वैसे कर चुकी है वो. बिल्कुल. और रेल में वो कैसी है? बाय द वे, बड़ा डर लगता है फ्रिया का. इज इट ट्रू या बड़ी स्वीट है? यहाँ ये वाकई में ऐसे कैरेक्टर जो बता रहे हो वैसा ही कुछ सीन है इस तरह का? कैरेक्टर के बारे में? यस, कैरेक्टर. देखिए, कैरेक्टर जो है वो ज्यादा तो रिवील डेफिनेटली मैं अभी नहीं कर सकता. थोड़े बट इट्स अ वेरी इट्स अ कैरेक्टर फुल ऑफ शेड्स. एक्चुअली इसके बहुत सारे शेड्स हैं. okay. मतलब आपको उस पर कभी प्यार भी आ सकता है. कभी आपको उस पर गुस्सा आएगा. समटाइम्स यू वुड हेट हर. सो एंड फ्रिया इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब और बहुत मजा आ रहा है फ्रिया के साथ. और जैसा कि मैंने आपको बताया, उर्दू फ्लिक्स का ये ओरिजिनल वेब सीरीज है और हमारा ओरिजिनल कॉन्टेंट है और फरूख फैज इसके डायरेक्टर हैं. ओके. और आप जो पूछ रहे थे कि जी हमने फ्रिया को जो हमने कास्ट किया इसमें, तो वो देखिये उसकी एक सबसे पहले जो हमारे पास सजेशन आई थी, तो हमारे सीईओ हैं फरहान गौहर. फरहान गौहर सजेस्टेड कि हमें इस कैरेक्टर के लिए फ्रिया अल्ताफ को लेना है. ओके. सो वी वर लाइक अमेज्ड एक्चुअली, बिकॉज फ्रिया काफी अरसे से किसी ड्रामे में या यू नो वेब में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी. और तो हमने कहा कि वी शुड डेफिनेटली टेक फ्रिया, वी शुड डेफिनेटली कास्ट है. तो फ्रिया से हमने जो है वो बातचीत की और फ्रिया लव्ड द स्क्रिप्ट बाय द वे. ओके, नाइस. और या और फ्रिया के अलावा हमारी जितनी कास्ट है मैं आपको बताऊंगा, सब ने जो है वो स्क्रिप्ट को बहुत लाइक किया है. और बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट है और इसका जो जॉनरा है इट्स लाइक एक्शन थ्रिलर. ओके. और इसमें बड़ी डेप्थ है और थोड़ी डार्कनेस है. और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट एक्चुअली वी आर लाइक ट्राइंग टू डू, मैं जस्ट आपको एक हिंट दूंगा, इलीगल अबॉर्शंस. ओके. सो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस थिंग. यस यस. ओके, ग्रेट. तो हु एल्स इन दिस कास्ट? वेल, कास्ट में हमारे साथ जो हैं वो फ्रिया अल्ताफ हैं. इसके अलावा सुहेल समीर हैं जो कि अगेंस्ट फ्रिया जो है वो एक्ट कर रहे हैं. okay. और SHO बने हैं वो और बड़ा अमेजिंग उन्होंने काम किया है हमारे साथ. इसके अलावा हमारे साथ जो है वो ज़ारा हैं. ज़ारा जो है वो नाजो का कैरेक्टर कर ज़ारा नूर अब्बास नहीं ज़ारा हाँ. हमारे साथ हमारा जो है वो एक कैरेक्टर है जो okay. कि ट्रांसजेंडर है. ओके. और तो जो है वो हमने ज़ारा को जो है वो यू नो हमने परस्यू किया और ज़ारा ने हमें जो है वो ज़ारा लव द स्क्रिप्ट बाय द वे. बाजी ज़ारा की आ चुकी वेब सीरीज में था वो. बिल्कुल. चुड़ैल का कैरेक्टर उसने बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर किया. तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ सीन ऐसा है इसमें उससे ज्यादा अच्छा आपको नजर आएगा? okay. इसमें ज़ारा के आपको बहुत शीट्स नजर आएंगे. ज़ारा एट वन टाइम ज़ारा लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी इनोसेंट. एट सम टाइम शी इज रूड. और कभी वो आपको सेल्फिश नजर आएगी, कभी वो जेलस नजर आएगी आपको. ज़ारा को हमने गेटअप बहुत अमेजिंग दिया है. और जैसे कि मैंने कहा कि फ्रिया को हमने गेटअप बहुत अमेजिंग दिया है बिकॉज हमने फ्रिया को हमेशा एक मॉडर्न और बहुत ही उसमें देखा है, लाइक यू नो फैशन आइकन एंड ऑल. तो बट इसमें जो है वो शी इज़ प्लेइंग दाई और उनको हमने बहुत ही घरेलू से कपड़े पहनाए हैं और गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने पूरी जो है ना वो लगाई हुई है. आम नॉर्मल से उनके बाल है बिकॉज कैरेक्टर बहुत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है. ओके. और बाकी कास्ट में हमारे साथ सुभान अवान है जो कि मॉडल टर्न एक्टर हैं. अच्छा, उनकी भी फर्स्ट डेब्यू सीरीज है? यस. और नमरा शाहिद हैं हमारे साथ. असफन यार हैं. राजा शाहिद हैं. और ये सब सेट पे आज मौजूद हैं? नहीं, आज सारे नहीं है. आज हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट हैं बिकॉज़ okay. हमारी ये शूट पिछले कोई 10 दिन से चल रही है. nice. और आप देख सकते हैं कि इस yes, वक्त है, वो काफी बुरा हाल हुआ है. ओके, उन्होंने मुझे ये बताया बेसिकली वी कैन नॉट पोर्ट्रे सच बोल्ड कैरेक्टर ऑन इंटरनेशनली इन टर्म्स ऑफ वेब फिल्म या ड्रामा में. तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर कोई इज नाउ ऑन वेब सीरीज पर. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि ज्यादा मार्जिन वहाँ मिल जाता है वहाँ पे करने के लिए? बिल्कुल. देखिए ये एक फैक्ट है कि आर उर्दू फ्लिक्स इज पाकिस्तान्स फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट इवन यूट्यूब, इट्स नॉट लाइक सिंपल इंटरनेट, बट इट्स फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म. तो उसमें जो है वो
हमारे पास अभी लाइक उस तरह का मार्जिन है कि हम कुछ रियलिटीज़, कुछ फैक्ट्स को बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं जो हम ड्रामे में या मूवीज़ में नहीं दिखा सकते. तो ये हमें एक एडेड प्लस पॉइंट था हमारे पास. और अहमद साहब ने जो स्क्रिप्ट लिखा उसमें हमारे पास काफ़ी बोल्ड स्क्रिप्ट भी था और अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्ट भी था. और हमने एक ऐसी चीज़ को जो है उठाया उसमें कि जो कहीं कहीं एक बहुत ही यू नो बारीक सी लाइन थी कि हम जो है वो इलीगल अबॉर्शन पे अगर बात कर रहे हैं तो उस पर हम जो है वो क्या किस हद तक जा सकते हैं दिखाने की उस पर यू नो विजुअली. तो उसमें काफ़ी हमारी मीटिंग्स हुई, स्क्रिप्ट पे हम लोग बहुत बैठे हैं और बहुत डिटेल में हर एक्टर के साथ जो है वो लाइक डिस्कशंस हुए हैं कि इस तरह से. बट आप देखिएगा इसमें कैरेक्टर्स बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत अमेजिंग जो है वो आपको लाइक शेड्स नज़र आएंगे. एग्जैक्टली नमन भी, आई हैव सीन योर वर्क एज़ वेल बिफोर. आपने ड्रामे में खुद भी काम किया हुआ है, आपने खुद भी एक्ट किया हुआ है बकायदा माशाल्लाह से. तो कभी आपने सोचा कि मैं फिर उसमें एंट्री डाल दूँ? ये आपने जो सवाल किया है ना, ट्रूली ये मेरे दिल की आपने जो है ना वो सवाल किया है. इसमें कैरेक्टर है जो कि है बीजू, उसका नाम है, और वो है कब्रिस्तान का गोरखन. ओके. और टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. और वो अहमद साहब ने जो लिखा है तो वो गोरखन जो है वो थोड़ा सा बस आपको बता सकता हूँ कि वो एक्चुअली थोड़ा कोई ड्रग्स वगैरह लेता है. okay. तो उसको हेलुसिनेशंस होती हैं. okay. तो जब वो हेलुसिनेशंस होती हैं तो वो जिन लड़कियों को दफना चुका है वो उसके सामने जो है वो नजर आती है, लाइक यू नो. और तो उसमें वो जो एक एक्टिंग है ना, लाइक वो एक नशे में है, एक हेलुसिनेशन में है और उसको नजर आ रहा है लेकिन नजर नहीं भी आ रहा. तो वो कैरेक्टर जो है ना मेरा ऐसा था कि मेरा बहुत दिल था कि यार ये जो है ना वो मुझे आई थिंक उसको उसको वैक्सीन लगानी चाहिए कोविड की. बिल्कुल राइट. ओके, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज जैसे आप बता रहे हैं मुझे इतना इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी हो गई है कि ये कब आने वाली बात है, ये कब रिलीज होगी. इंशाल्लाह देखें, हमारी अभी तो शूट ही चल रही है, वी आर ऑन द फ्लोर और एक दो दिन हमारे शूट्स के बाकी हैं. okay. और उसके बाद इंशाल्लाह हम पोस्टर रिलीज करेंगे इसका और होपफुली हमारे पास टाइम हो तो हम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. okay. और बाकायदा रेड कार्पेट के साथ. और लाइक वी वॉन्ट टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस स्पेशल प्रोजेक्ट इन अ वेरी स्पेशल मैनर और ताकि ज़रा लोगों को हम बताएं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट इतना अमेजिंग लिखा गया है तो उसको हमने विजुअली कैसा बनाया आपके लिए. सो फिंगर्स क्रॉस्ड और लेट्स सी कि आप लोगों का क्या इस पर फीडबैक हमें मिलता है. इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट तुमान भाई, आई रियली वंडरफुल टॉक टू यू एंड गॉट टू नो सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. आई एम श्योर मुझे डायरेक्टर साहब बाकी लोग कुछ नहीं कहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. टेक केयर. लव यू.